डिजिटल कैटनिक्स पे बिल्कुल सब जाए। मैं हमने आपके साथ जो काम आपने शुरू किया है, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स उसका। मैं क्योंकि इंस्टा संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आप तो डिजिटली में आप बढ़ रहे हो आगे और लोग आपके पास आते चले जाएंगे, क्योंकि अब जमाना डिजिटल का ही है और वही आगे बढ़ना है। कैटनिक्स डिजिटल मीडिया इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड योर टीम वर्क इज रियली गुड। So hi, welcome to our YouTube channel and today we are going to discuss about social media. आपके business पे ये क्या effect डाल सकता है, आपको कितना ये फायदा पहुंचा सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। सब कुछ आपको पता चलने वाला है कि क्या इसके फायदे हैं। और ये सब चीजें ना, ये सब चीजें मैं आपको with proof कि एक क्लाइंट का कैसे उसको फायदा हुआ, कैसे उसकी पर्सनल ब्रांडिंग में उसको फायदा हुआ, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। वन सक्सेस स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो सोशल मीडिया आज के टाइम पे है, कितना ही टाइम लोग इस पे अपना स्क्रॉलिंग में स्पेंड करते हैं, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ अपना कंटेंट शेयर करने के लिए। तो वहां पे अगर लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि वहां पे कौन है, वहां पे आपकी ऑडियंस है और वो वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है कि अगर आप अपने बिजनेस को वहां पे ब्रांड करें, एक अपनी रेपुटेशन बना और वहां से आप अपने बिजनेस के लिए क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो लेट मी शो यू, हमारे पास जो क्लाइंट आरजे ज्योति का जो एक अकाउंट हमारे पास आया और जो हमारी टीम ने उसका उस अकाउंट का मैनेजमेंट करा, उससे उनको क्या क्या रिजल्ट मिले। फर्स्ट लेट मी टेल यू के हमने क्या क्या वर्क करा उनके लिए। बेसिकली कंटेंट स्ट्रेटजी प्लान आउट करी। अभी तक क्या था कि इनकंसिस्टेंटली जो पोस्ट थी, जो डेटा था, वो सब इनकंसिस्टेंट था, कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो हमने प्लान आउट करी कि कैसे कैसे उनके पे कंटेंट पोस्ट होना है विद इन द टाइम पीरियड, कि किस टाइम पे लोड ज्यादा आ रहा है उनके अकाउंट में, वो उनको पूरी ऑडिटिंग करके रिपोर्ट प्रोवाइड करी। सेकेंड इज एडिटिंग पोस्ट, जितने भी पोस्टर्स बन रहे हैं, जितनी भी रील्स बन रही है, सब एडिटिंग, कि कैसे कौन से म्यूजिक जो है वो ट्रेंडिंग में है, वो सब कुछ कंसीडर करके टीम ने उनको डिलीवर करा। एंड देन आफ्टर शेड्यूलिंग, कि क्या क्या किस किस टाइम की पोस्ट को शेड्यूल करना है, कैसे शेड्यूल करना है, वो सारी स्ट्रेटजी प्लान आउट करके उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स दिलाया, एक अच्छा रिजल्ट दिया, जिससे उनकी पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत फायदा हुआ। सो लेट मी शो यू एन अकाउंट ऑफ मिस आरजे ज्योति। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन, होप सो माई स्क्रीन इज विजिबल, एंड लेट मी शो यू द अकाउंट ऑफ मिस आरजे ज्योति। एंड दिस इज बेसिकली द अकाउंट, एंड लेट मी शो यू, दिस इज द एंगेजमेंट रेट दैट यू कैन सी हियर, ओके। एंड नाउ लेट मी शो यू द एनालिटिक्स, यू कैन सी दैट शी रिसीव्ड 170% मोर कंटेंट इंट्रैक्शन कंपेयर टू अगस्त 9 टू सेप्टेम्बर 7, जो एक महीने में हमने वर्क करा, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना इनका अकाउंट रीच हुआ, कितना कंटेंट इंट्रैक्शन हुआ है, आप यहां पे सारी चीजें देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली द स्ट्रेटजी वर्क, जो एक स्ट्रेटजी बना के करा जाता है, कैसे एक ग्रोथ मिलती है, और आप देख सकते हैं टोटल फॉलोअर्स में 39% इंक्रीमेंट है। तो दैट्स व्हाई शी इज वेरी हैप्पी विद आवर वर्क। तो इसी तरीके से अगर आप वर्क करते रहेंगे किसी का भी, देखिए आपके पास एक क्लाइंट है, दो क्लाइंट है, दैट डजंट मैटर। अगर आपके पास आप उनका ही वर्क अच्छे से करते हैं तो आपको फर्दर मोर क्लाइंट मिल सकते हैं। तो हमारा जो विजन है, जो हमारी टीम का विजन है, वो ये है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें वो कम्प्लीटली और बहुत अच्छे से वर्क करें, ताकि उन लोगों को रिजल्ट हम दे पाए। सो फाइनली आई विल टेल यू कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वहां पे हर टाइम एक्टिव है, डेली बेसिस पे एक्टिव है। आप अगर खुद अपने आप को कंसीडर करें तो आप कितना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे,
ये आप खुद कंसिडर करिए, खुद सोचिए कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, सोशल मीडिया सिर्फ एक टॉप फनल का भी काम करता है कि वो आपके ऑडियंस को वहां से ड्राइव करके आपके प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। आपका प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो फनल बनती है, तब जाके प्रॉफिट जनरेट होता है ऑनलाइन बिजनेस में, तब जाके कन्वर्जेंस आते हैं। तो सब कुछ है, लेकिन बस एक तरीका चाहिए, एक सही वे चाहिए काम करने के। तो अगर आपको किसी भी चीज में परेशानी हो रही है, कोई भी आपको ऑनलाइन बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी टीम के पास आप आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको पूरी ऑडिटिंग करके देंगे, हम आपको पूरी फनल बना के देंगे कि कैसे आपको वर्क करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच।